हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदनाचार्जी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, ये इस सीरीज़ की 11 नंबर वीडियो है एंड इससे पहले वाले वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम टीचर की जो रजिस्ट्रेशन की जो पेज है या फिर व्यू है उसको हम किस तरह से सेटअप करते हैं। तो आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम टीचर की जो रजिस्ट्रेशन का बाकी का काम है वो हम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एंड जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो स्टोर फंक्शन है इसके अंदर हमें क्या करना होगा, फ्रेंड रजिस्ट्रेशन या फिर टीचर की जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। पर उससे पहले हमें एक चेंजेस हमें यहाँ पर करना होगा और वो है फंक्शन नेम। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं टीचर कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ और इस टीचर कंट्रोलर के अंदर टीचर से रिलेटेड जितनी भी फंक्शंस जैसे कि रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डैशबोर्ड के रिडायरेक्ट, लॉग आउट, जितनी भी काम हम करेंगे उसके लिए हम टीचर कंट्रोलर को यूज़ करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एक कंट्रोलर के अंदर एक नाम का हम सिर्फ एक ही फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो फंक्शन का नेम है वो देना होगा। क्योंकि जैसे कि ये टीचर कंट्रोलर है एंड जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रिएट फंक्शन का नेम दिया है, तो इससे हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये जो क्रिएट ये लॉगिन के लिए है या फिर रजिस्टर के लिए है, ठीक है, या फिर कौन से काम के लिए है। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक प्रॉपर नेम देना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट को हटा के हम करेंगे शो रजिस्टर फॉर्म। जैसे कि ये फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर हम रजिस्टर व्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं, तो इसलिए हमने इस फंक्शन का नाम दे दिया शो रजिस्टर फॉर्म। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, चलेंगे web.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट को रिप्लेस कर देंगे इस नेम से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है स्टोर। जैसे कि ये वाला स्टोर फंक्शन हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, इसमें हम रजिस्टर की जो कोड है वो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो इसलिए स्टोर मेथड को हम यहाँ से हटा के हम इसको कर देंगे रजिस्टर, ठीक है। एंड इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड web.php फाइल के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टोर फंक्शन है इसको हम हटा के रजिस्टर कर देंगे, ठीक है। तो फिर से अगर हम जाएंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर एंड इसको अगर हम रीलोड करेंगे, फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ एज इट इज़ प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब हमें नेक्स्ट जो काम यहाँ पर करना है, यहाँ पर टीचर की रजिस्ट्रेशन का काम हमें यहाँ पर करना है, तो उसके लिए हम फिर से जाएंगे टीचर कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर हमें रजिस्टर फंक्शन के अंदर हमें जो रजिस्टर की जो कोड है वो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा। कोई भी कोड करने से पहले हम यहाँ पर एक रेफरेंस लेंगे, लारावेल ब्रीज क्या कर रहा है, यूज़र की जो रजिस्ट्रेशन है उसका काम वो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐप HTTP कंट्रोलर देन ऑथ फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं रजिस्टर यूज़र कंट्रोलर, इस कंट्रोलर के अंदर जो स्टोर फंक्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी लारावेल ब्रीज एक कोड यूज़ कर रहा है अपनी यूज़र को रजिस्टर कराने के लिए। तो हम इसी का रेफरेंस लेंगे एंड यहाँ से हम कोड कॉपी पेस्ट करेंगे, पर हम उसको आपको समझा देंगे कि कौन सा कोड हमने किस लिए किया है। तो जैसे कि प्रिंट आप देख रहे हैं यहाँ पर लारावेल ब्रीज क्या कर रहा है, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट हमें मिल रहा है उस रिक्वेस्ट को हम वैलिडेट कर रहे हैं एंड वैलिडेट के अंदर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड हमें मिल रहा है, ठीक है। अगर हम अपने register.blade.php फाइल के अंदर जाएंगे फ्रेंड एंड यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर भी नेम, ईमेल एंड पासवर्ड फील्ड है, ठीक है, एंड पासवर्ड कंफर्मेशन फील्ड है। तो ये वाला जो फील्ड आप देख रहे हैं सेम फील्ड हम लारावेल ब्रिज के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड यहाँ से हम कोड को उठा लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से वैलिडेशन का जो काम है उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड चलेंगे अपनी टीचर की कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। रिक्वेस्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है एंड वैलिडेट कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे नेम ये रिक्वायर्ड फील्ड है, मतलब ये वाला जो स्टूडेंट नेम है इस स्टूडेंट नेम को हमें चेंज करके सबसे पहले तो टीचर नेम करना होगा। तो उसके लिए हम फिर से जाएंगे यहाँ पर register.blade.php फाइल के अंदर, क्योंकि ये टीचर की फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएँ आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम है, तो इसको हम करेंगे टीचर नेम कर देंगे, लेकिन इस फील्ड का जो नेम एंड आईडी होगा वो नेम ही होगा, ठीक है। देन यहाँ पर ईमेल आईडी है, देन यहाँ पर पासवर्ड है एंड यहाँ पर पासवर्ड कंफर्मेशन है। तो फिर से हम चलेंगे अपने टीचर कंट्रोलर के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेम है वो रिक्वायर्ड है एंड इसकी जो टाइप वो स्ट्रिंग होगा एंड इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो होगा 255। ये वैलिडेशन हो गया।
अब ईमेल के लिए जो वैलिडेशन होगा वो रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग है, मतलब ये ईमेल देना ही होगा यूज़र को, देन स्ट्रिंग है होना चाहिए एंड देन लोअर केस में होना चाहिए। इस ईमेल की जो टाइप होगा वो ईमेल आईडी होना चाहिए एंड इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो होगा 255 कैरेक्टर। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिक वैलिडेशन यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब ये हमें चेक करना होगा कि एक ही नाम का कोई एक ही ईमेल आईडी से कोई टीचर बार बार रजिस्टर ना हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड, यूनिक वैलिडेशन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर यूज़र से यूज़र की मॉडल की नहीं, हमें टीचर मॉडल यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो उस लिए हम क्या करेंगे, यूज़र को हटाएंगे, उसकी जगह पे टीचर हम कर देंगे, टीचर कोलन कोलन क्लास, ठीक है। यहाँ पर रेड मार्क दिखा रहा है, हम राइट क्लिक करके इसको इंपोर्ट कर देंगे। और जैसे ही हम साइट पे जाएंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टीचर की जो मॉडल है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, ईमेल की वैलिडेशन हमें मिल चुका है। देन हम जाएंगे पासवर्ड पे, पासवर्ड ये भी रिक्वायर्ड है, देन कंफर्म्ड है, मतलब हमें अगर हम इसको एक बार रिलोड करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर टीचर नेम हो चुका है, तो यहाँ पर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड सेम होना चाहिए, तो उसी का वैलिडेशन यहाँ पर कंफर्म के थ्रू होता है। एंड यहाँ पर पासवर्ड की कुछ रूल, डिफ़ॉल्ट रूल है, वो ही हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो हम इसको इम्पोर्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करके इम्पोर्ट क्लास करेंगे, आप देख सकते हैं यूज़ पासवर्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पर रूल्स पासवर्ड, ये वाला नेम स्पेस आपको यूज़ करना होगा, पर फिर भी यहाँ पर एरर दिखाई दे रहा है। हम एक काम करेंगे, हम चलेंगे रजिस्टर्ड यूज़र कंट्रोलर के अंदर, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो रूल्स की जो नेम स्पेस है, हमें इसको कॉपी करना है यहाँ से एंड हम चलेंगे टीचर कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। पासवर्ड की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देंगे यहाँ से। एंड अगर हम नीचे जाएंगे, हम इसको क्या करेंगे, रूल्स देन पासवर्ड, ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब इससे क्या होगा, पासवर्ड की जो डिफ़ॉल्ट रूल है वो ही यहाँ पर अप्लाई होगा, जो हमने वैलिडेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया। तो वैलिडेशन का काम हमने ऑलरेडी यहाँ पर हमने कर दिया है। अब नीचे हमें क्या करना होगा, उससे पहले हम चलेंगे यूज़र रजिस्टर्ड यूज़र कंट्रोलर के अंदर, नीचे जाएंगे, देन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूज़र वो क्रिएट कर रहा है, तो हम इसको कॉपी करेंगे एंड देन टीचर कंट्रोलर के अंदर जाएंगे एंड ये वाला कोड हम पेस्ट कर देंगे। एंड यहाँ पर जैसे कि ये टीचर कंट्रोलर है, हमें यहाँ पर टीचर क्रिएट करना है, तो यूज़र की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर टीचर मॉडल यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे टीचर कोलन कोलन क्रिएट। अब टीचर की नेम, ईमेल, पासवर्ड सेम है, मतलब अगर हम अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे, टीचर टेबल के अंदर जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ये फील्ड मैंडेटरी फील्ड है, तो हमें ये वाला फील्ड देना होगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड में यहाँ पर हैश कोलन कोलन मेक यूज़ हो रहा है, तो हमें हैश को भी यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, हम इंपोर्ट क्लास करेंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इल्यूमिनेट सपोर्ट फेसड हैश, ये वाला न्यू स्पेस हमने इम्पोर्ट कर लिया है एंड उसकी वजह से यहाँ पर जो रेड मार्क था वो यहाँ से चला गया है। तो यहाँ से हमें जो मिल रहा है वो है टीचर, यूज़र नहीं। अब हमें जो टीचर मिल रहा है वो हमने इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया है, ठीक है। फिर से चलेंगे रजिस्टर्ड यूज़र कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑथ कोलन कोलन लॉगिन, मतलब ये वाला लाइन यूज़ हो रहा है, तो हम फिर से इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हम चलेंगे इसको पेस्ट करेंगे। तो ऑथ हमें यहाँ पर इम्पोर्ट करना होगा, हम इम्पोर्ट क्लास करेंगे, आपको देखना होगा इल्यूमिनेट सपोर्ट फेसड ऑथ, ये वाला नेम स्पेस आपको इम्पोर्ट करना होगा, इल्यूमिनेट सपोर्ट फेसर्स ऑथ, ये वाला नेम स्पेस। देन यहाँ पर यूज़र की जगह पे हम टीचर करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड एक चीज़ आपको गौर करना होगा और वो ये है कि ऑथ कोलन कोलन लॉगिन का मतलब यहाँ पर जो गार्ड लारावेल ब्रिज यूज़ कर रहा है वो है वेब गार्ड, जो डिफ़ॉल्ट गार्ड है, लेकिन हमें कौन सा वाला गार्ड यूज़ करना होगा, हमें यहाँ पर टीचर की जो गार्ड है वो हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे गार्ड, ठीक है। अब गार्ड के अंदर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें पास करना होगा गार्ड का नेम, गार्ड का नेम क्या है, टीचर। अगर हम अपने ऑथ डॉट पी एच पी फाइल के अंदर जाएंगे, जो कि कॉन्फ़िग के अंदर है, एंड यहाँ पर अगर थोड़ा ऊपर जाएंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गार्ड है, गार्ड के अंदर हमने जैसे कि ये वेब गार्ड, ये डिफ़ॉल्ट गार्ड है, हमने टीचर के लिए टीचर गार्ड भी हमने क्रिएट किया था, तो यही गार्ड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर हमने पास किया है ऑथ गार्ड टीचर। अब लारावेल ब्रिज क्या करेगा,
यहाँ पर वेब गार्ड नहीं बल्कि टीचर की जो गार्ड है वो यहाँ पर यूज़ करेगा लॉगिन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर से चलते हैं रजिस्टर यूज़र कंट्रोल के अंदर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न रीडायरेक्ट राउट डैशबोर्ड। तो हम इस लाइन को फिर से कॉपी करेंगे एंड चलेंगे टीचर कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड, टीचर को हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं इस डैशबोर्ड राउट के अंदर, ठीक है। लेकिन डैशबोर्ड राउट, ये वाला डैशबोर्ड राउट हमें नहीं चाहिए, हमें टीचर की जो डैशबोर्ड राउट है वो चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक राउट क्रिएट करना होगा। उसके लिए हम चलेंगे web.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर हम एक गेट राउट बनाएंगे जो कि होगा डैशबोर्ड राउट कोलन कोलन गेट जो होगा डैशबोर्ड टीचर स्लैश डैशबोर्ड होगा एंड कॉमा लगाएंगे जो कंट्रोलर हम यूज़ करेंगे, टीचर कंट्रोलर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कोलन कोलन क्लास एंड फंक्शन का जो नाम हम देंगे वो है डैशबोर्ड, ठीक है। एंड इसका जो नाम हम यहाँ पर देंगे नेम राउट के लिए वो है टीचर डॉट डैशबोर्ड, ठीक है। सेमी कोलन लगा देंगे और एक चीज़ हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा और वो है मिडलवेयर। मिडलवेयर क्या करेगा फ्रेंड, अगर मान के चलिए कि टीचर लॉग्ड इन नहीं है पर भी टीचर अगर डैशबोर्ड को एक्सेस करना चाहे तो वो एक्सेस नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमें यहाँ पर मिडलवेयर असाइन करना होगा। तो मिडलवेयर हम किस तरह से असाइन करेंगे आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे मिडलवेयर एंड मिडलवेयर के अंदर हम लिखेंगे ऑथ, ये डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर है एंड देन कोलन। अब हमें पैरामीटर पास करना होगा जो कि है टीचर, ठीक है। ऑथ गार्ड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एंड उसके अंदर हम टीचर पैरामीटर पास कर रहे हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड, टीचर की डायरेक्टली हम एक्सेस यूज़र को नहीं होने देंगे जब तक वो लॉग इन या फिर रजिस्टर नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वाला राउट पता चल चुका होगा कि किस लिए हमने इसको क्रिएट किया। तो अब हमें क्या करना होगा, टीचर कंट्रोलर के अंदर डैशबोर्ड वाले जो मेथड है इसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। इसको कॉपी करेंगे, चलेंगे टीचर कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर हम करेंगे पब्लिक फंक्शन डैशबोर्ड एंड इसके अंदर फ्रेंड हम क्या करेंगे, अभी के लिए रिटर्न करेंगे एक मैसेज और वो मैसेज ये है दिस इज़ डैशबोर्ड, ठीक है। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पर हम रिटर्न करा रहे हैं ये वाला मैसेज दिस इज़ डैशबोर्ड। आगे चल के हम क्या करेंगे, यहाँ पर व्यू फाइल रिटर्न कराएंगे। तो यहाँ पर जो राउट है वो हमने क्रिएट कर लिया है एंड उससे रिलेटेड जो टीचर कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शन है वो भी यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब सिर्फ एक काम हमें यहाँ पर और करना होगा, चलेंगे रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी फाइल के अंदर एंड यहाँ पर फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्शन है, एक्शन के अंदर जो राउट है वो है सिर्फ रजिस्टर। तो हमें ये वाला राउट नहीं चाहिए, हमें चाहिए अगर हम web.php फाइल के अंदर जाएंगे एंड ये वाला जो पोस्ट राउट है ये हमें चाहिए। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है टीचर रजिस्टर स्टोर। तो हम इसको कॉपी करेंगे एंड चलेंगे रजिस्टर ब्लेड डॉट पीएचपी फाइल के अंदर एंड यहाँ पर जो राउट है इसको हम रिप्लेस कर देंगे इससे, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो काम है वो हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। तो चलेंगे अपने ब्राउज़र पे एंड इसको हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। पर उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे फ्रेंड। जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पर टीचर की जो टेबल है उसके अंदर है एंड यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर हम ब्राउज़र पे जाएंगे एंड अपनी एप्लीकेशन को अगर एक बार रीलोड कर लेते हैं एंड यहाँ पर हमें टेस्ट करना होगा, टीचर का जो नाम हम देंगे टेस्ट टीचर एंड ईमेल आईडी हम देंगे टेस्ट टीचर एट दैट जी मेल डॉट कॉम, पासवर्ड हम देंगे 123456 78, कन्फर्म पासवर्ड भी 123456 78 एंड यहाँ पर हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं अपने राउट के अंदर जो कि है टीचर स्लैश डैशबोर्ड एंड यहाँ पर दिस इज डैशबोर्ड जो हमने मैसेज प्रिंट कराया था अपने फंक्शन के अंदर। मतलब अगर हम टीचर कंट्रोलर के अंदर जाएंगे ये वाला जो लाइन आप देख सकते हैं वो यहाँ पर हमें मिल चुका है, मतलब हमारा जो यूज़र या फिर टीचर है वो यहाँ पर अपने डैशबोर्ड के अंदर सक्सेसफुली रिडायरेक्ट हो चुका है, ठीक है। अगर हम डेटाबेस के अंदर जाएंगे एंड इसको हम रिलोड करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टीचर टेबल के अंदर जो टेस्ट टीचर है उसकी रिकॉर्ड आ चुका है,
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि किस तरह से हम टीचर को रजिस्टर कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।